आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। आपको बता दें, धार जिले के धर्मपुरी तहसील के कोटीदा भरूड़पुरा में नव निर्मित करोड़ों की लागत से बना डैम पहली बारिश में लीकेज हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस डैम के फूटने का खतरा भी मंडरा रहा है। इस खतरे ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी। अगर ये डैम फूटता है तो आसपास के दर्जनों गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं, कई लोग बेघर हो सकते हैं, कई किसानों की जमीन में बोई फसल बर्बाद हो सकती है। इसके खतरे से प्रशासन ने मुंबई आगरा हाईवे को बंद कर दिया, तो वहीं निचले स्तर के लोगों को गांव खाली कराने का फरमान भी जारी किया। प्रशासन ने इसे लेकर हाई अलर्ट जारी किया और इस समस्या से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव भी मौके पर पहुंचे और इस समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों को उचित निर्देश दिए ताकि कोई अनहोनी न हो। देखो, आपकी जान की सुरक्षा है तो बाद में एक हो जाएगा सर, आप लोग कृपया करके पहाड़ी पे चढ़ जाए, ऊपर चले जाए। अरे निकलते क्यों नहीं है? इसे निवेदन है, फटाफट ताला लगाओ घर में और पहाड़ी पे ऊपर जाके बैठो। ये बांध आपके बहुत नजदीक है, पानी सबसे पहले आपके पास ही आएगा। धार कलेक्टर पंकज जैन और एसपी आदित्य प्रताप सिंह लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, साथ ही उन्होंने इस समस्या को निपटने के लिए कई अधिकारियों को लगाया हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये, आखिर इतनी बड़ी आफत क्यों खड़ी हुई? लोकेश सोलंकी नामक व्यक्ति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद बता रहा है कि इस डैम के निर्माण के समय घटिया तरीके से काम किया जा रहा था, जिसकी उन्होंने शिकायत धार से लेकर भोपाल तक की। सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कहीं भी किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये वायरल वीडियो। XYZ सभी अधिकारियों को मैंने इनकी शिकायत की, जिसके फोटो वीडियो बाय प्रमाण मैंने चिप के अंदर भी डाल के दिए हैं, जिसकी सारी रिसिप्ट मेरे पास रखी है। उसके बावजूद भी आज दिनांक तक यहाँ पे एक भी अधिकारी हरकत में नहीं आया और सब ने भ्रष्टाचार युक्त डैम बनवाया। आज अगर ये डैम फट जाएगा और किसी प्रकार से कुछ होगा, घटना दुर्घटना, तो इसका जवाबदार कौन होगा? उसका जवाबदार प्रशासन होगा। मेरी शिकायत L4 पे पिछले 3 महीने से चल रही है, आज दिनांक तक किसी भी SDM ने, तहसीलदार ने या किसी भी कलेक्टर ने या मुझे बुला के आज दिनांक तक कोई बयान नहीं लिए। इसके अंदर जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर बड़े बड़े पत्थर दफनाए गए, जिसका वीडियो मैंने बाय प्रमाण सारे फोटो वीडियो एविडेंस के साथ में चिप के अंदर डाल के और अधिकारी को ऊपर लेवल तक भोपाल स्वयं के खर्चे पे जाके देकर आया हूँ कि सर जब भी ये डैम फटेगा हम और हमारा पूरा खानदान और हमारा पूरा संसार लूट जाएगा, आप इसकी एक बार जांच कर लीजिए। पर आज दिनांक तक कोई अधिकारी हरकत में नहीं आया है और कलेक्टर साहब को 100-100 बार में जाके अवगत कराया, सामने कभी मिलने का मौका नहीं दिया कलेक्टर साहब ने भी। तो आज हम आप देख सकते हैं ये लोग केवल पैसा कमाने आए हैं और आज हमारे भविष्य के साथ और हमारे पूरे संसार के, हमारे जितने भी लोग हैं सबके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और आप और एक एक चीज और मेरी L4 पे शिकायत पिछले 3 महीने से चल रही है और कभी किसी ने कोई हरकत में नहीं आया। आप सभी से निवेदन है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल में पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो देखा आपने ये वायरल वीडियो, जिसमें शिकायतकर्ता खुद गंभीर आरोप लगा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। मामले को लेकर धार कलेक्टर पंकज जैन का क्या कुछ कहना है, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। तो कारम बांध है ये, इसमें पहली बार जो पानी भरा गया था इसमें कल से लीकेज आने की जो घटना चालू हुई है, तो कल से लीकेज आ रहा था और रात भर से हम लोग कल दिन भर और रात भर से प्रयास कर रहे हैं कि वो लीकेज को बंद किया जा सके। और इसके साथ ही साथ चूँकि जो सबसे स्थिति जो भी उत्पन्न हो सकती है, जो कठिन से कठिन स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं ताकि नीचे के 11 गांव जो आते हैं डाउन स्ट्रीम में उनको खाली कर लिया गया है सभी को। और प्रशासन की टीमें सतत रूप से लगी हुई हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से अंदर दोबारा प्रवेश ना करें। इसके साथ ही साथ इसका सेल्यूस गेट भी खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो अगले 10 से 15 मिनट में खुल जाएगा, जिससे पानी हम कंट्रोल वे में रिलीज़ कर सकें। सर कोई तकनीकी खराबी पकड़ में आई है? अभी हमारा जो पहला चीज़ है कि पहला हम जो कोई भी यदि आपदा, संभावित आपदा हो सकती है यदि कोई, तो उसके लिए हम तैयार रहे हैं और अभी उस गेट को खोल रहे हैं। बाकी इंजीनियर्स की टीम भोपाल से भी आ गई है, भोपाल से ENC वरिष्ठतम इंजीनियर भी आ गए हैं यहाँ पे, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, तो राहत कार्य यदि आवश्यक रहेगा तो उसके लिए हम पूरे तैयार हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेढ़ा का क्या कहना है। डैम 305 करोड़ की योजना से ये बना है और
इसके बनाने में पूर्व में तो ये आदिवासी किसानों के साथ इन्होंने बहुत धोखा किया। जिनको मुआवजा मिलना था सबसे पहले तो उनको जबरदस्ती उठाया गया यहाँ से, उसके बाद में मुआवजा कम से कम 5 से 10 लाख रुपए के बीच देना था, उनको 1.5-2 लाख रुपए पर बीघा दे करके इनको सारे आदिवासी भाइयों के यहाँ से मकान तोड़े गए। और डैम का समय ठेकेदार का हो रहा था तो इसलिए जल्दी जल्दी इन्होंने उस डैम की पाल बनाई, कच्ची पाल बनाई और कुंडा तालाब से ये काली मिट्टी लाए, सूखी मिट्टी डाली है, आसपास की मोहरम से सिर्फ उसका जो टेक्निकल चीज से बनाना चाहिए वो ऐसा नहीं बनाया, काली मिट्टी के लोंदे डालना था वो कभी नहीं डाले इन्होंने। ये कम से कम 1000 आईवा सूखी काली मिट्टी इन्होंने डाली कुंडा तालाब से लाके और आसपास की मोहरम से इन्होंने पाल बना दी। मिलाकर आपका आरोप है कि ये जो डैम है इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है और हमने बार बार बीच में बोलते रहे, ठेकेदार को बोलते रहे, इनके अधिकारियों को बोलते रहे, एसडीओ सिद्दीकी से मैंने बात करी कि ये सूखी मिट्टी के डैम पर डाल रहे आप लोग, मैं विधानसभा में इसको उठाऊंगा। तो सुना आपने, ये थे कांग्रेसी विधायक पांचीलाल मेड़ा जो धर्मपुरी विधानसभा से विधायक है। इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता लगेगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है आसपास के ग्रामीणों पर खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट।